शाम को सांकरी पहुंचकर सारे टीम मेंबर्स ब्रीफिंग सेशन के लिए इकट्ठा हुए। कैम 360 की तरफ से ब्रीफिंग सेशन लिया जग्गू भाई ने। सेशन लगभग 15 मिनट चला, जिसमें हमें बताया गया कि अगले आने वाले कुछ दिनों तक ट्रैकिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और आने वाले दिनों में हमारा रहना, खाना और पीना कैसा होगा। नहीं, सबको ऐसा नहीं, कोई यहाँ खा रहा है, कोई वहाँ खा रहा है, कोई कहाँ खा रहा है, सब साथ में ही खाएंगे और साथ में रहेंगे, ठीक है। और सबसे पहले बात है, सबके पास ट्रैकिंग जूता है? हाँ जी, सबके पास। ट्रैकिंग करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, मगर मेरे हिसाब से तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वह स्पेशल हाई एंकल ट्रैकिंग शूज, सनग्लासेस और ट्रैकिंग पोल्स। हिमालय में स्पोर्ट्स शूज पहनकर ट्रैकिंग करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहाड़ चढ़ने में जूते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग शूज जिंदगी और मौत के बीच का फर्क पैदा कर सकते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यूवी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है और बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पड़ने वाली सन ग्लेयर अंधा भी कर सकती है, इसलिए अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस होना भी बहुत जरूरी है। उसमें 3 शेयरिंग या 4 शेयरिंग रहता है, ठीक है, और सेम रहेगा, 3 शेयरिंग करके सबका रहेगा। कल आपको स्लीपिंग में सोना है, रजाई नहीं मिलेगा, और कल के दिन आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, टॉप लगेगा, तो आपको क्या माइंड रखना है कि ये नहीं रखना है, माइंड मेरे से हो गया बस काफ़ी है, तो ये मायना नहीं रखना है, मायना ये रखना है कि कब पहुँचूँ, थोड़ा अच्छे से पहुँचूँ सेफली। और रास्ते में क्या सबसे पहले ध्यान है, आपको माउंटेन साइड चढ़ना है। ट्रैकिंग करते हुए हमेशा पहाड़ वाली साइड में चलना सेफ होता है, क्योंकि ट्रैकिंग का सारा सामान खच्चरों पर लदकर कैंप साइट तक जाता है। अब ऐसे में अगर कोई ट्रैकर खाई वाली तरफ चलता है तो खच्चर उसे किक मारकर नीचे भी गिरा सकता है, मार के वो नीचे डाल सकता है। अगर आप माउंटेन साइड में हो तो माउंटेन साइड में खड़े रहना है, जब भी म्यूल्स आता है आपको दिखता है तो आप माउंटेन साइड में खड़े रहो, ठीक है, कोई भी नीचे साइड नहीं रहेगा। और स्मोक कौन कौन करता है? उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर खुद ईश्वर का निवास है। मेरी आप सभी से विनती है कि ऐसे पवित्र स्थान पर शराब, सिगरेट या किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। पहाड़ में आकर भी अगर ग्लेशियर के पानी की जगह शराब का सेवन ही करना है और चीड़ की खुशबू बिखेरती स्वच्छ हवा की जगह फेफड़ों में सिगरेट का धुआं ही भरना है तो उसके लिए तो हमारे धमगोटू शहर ही काफ़ी हैं। इतना दूर भला पहाड़ों में आने की क्या ज़रूरत। लगेगा आपको, आपके हेल्थ के लिए इश्यू, आपका सांस फूलेगा चलते समय, स्मोकिंग करोगे तो आपका सांस फूलेगा। अगर हम विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो भी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग और शराब का मेल बहुत ही खतरनाक है। ऊंचाई पर चलने के कारण शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। अल्कोहल हमारे बॉडी सेल से पानी खींच लेता है, इससे डिहाइड्रेशन का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। आपके पास कौन सा है? स्टिक है, स्टिक है, स्टिक है, स्टिक आप लोगों के पास है ना? जरूरत नहीं है। पथरीले रास्तों और नदी नालों को पार करते वक्त ट्रैकिंग स्टिक से भी अच्छी ग्रिप मिलती है। स्टिक रहता है, साथ रहता है, मतलब एक सारा रहता है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा हाथ नहीं देगा, वो भी अपना चलेगा, तो आपको लगता है कि मेरे को कंफर्टेबल नहीं है स्टिक, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन द वे भी ऐसा लकड़ी का स्टिक मिल जाएगा जहाँ जरूरत होगी, बता देना, नहीं तो स्टिक पोंचो, पोंचो जरूरी है। रेनकोट, ये मौसम है मुंबई की फैशन, पहाड़ का मौसम कभी बदल सकता है। मुंबई के फैशन का तो पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ कभी गया भी नहीं, मगर ये बात 1100% सच है कि पहाड़ का मौसम तो बहुत जल्दी बदलता है। हर की दून का ट्रैक तालुका नाम के गांव से शुरू होता है। तालुका सांकरी से लगभग 40 मिनट की दूरी पर है। लैंडस्केप को फील करने के लिए मैं, विशाल और टीम के कुछ लोग टेम्पो ट्रैवलर की छत पर चढ़ गए। घुमावदार, ऊबड़ खाबड़, संकरे पहाड़ी रास्तों पर सीट होने के बावजूद भी गाड़ी की छत पर बैठना, बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए एक अलग किस्म का पागलपन चाहिए, और वो पागलपन मेरे अंदर तो कूट कूट कर भरा हुआ है। जिस रोड पर हम चल रहे थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी,
इसको रोड नहीं बल्कि एक क्लिफ हैंगर डर्ट ट्रेल कहना ज़्यादा सही होगा। मैंने जीप की ग्रिल को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। गड्ढा आते ही जीप एकदम से बहुत बुरी तरह उछल जाती थी। तारीफ करनी होगी हमें लोकल ड्राइवर्स की भी, जो इतनी खतरनाक सड़कों पर भी तेज आवाज़ में गाने चलाते हुए गाड़ी को पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। रोड की मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मजदूर पत्थरों को नीचे फेंक रहे थे और कुछ औरतें चट्टानों को तोड़कर छोटे पत्थर बना रही थीं। इन्हीं पत्थरों को बाद में सड़क पर बिछाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है और कच्ची सड़क तैयार हो जाती है। सच कहूँ तो 20-25 मिनट गाड़ी की छत पर बैठने के बाद सारा जोश ठंडा पड़ गया था। कारण था झटके। कमर में बहुत बुरी तरह से झटके लग रहे थे। रोड पर धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी तालुका पहुँच जाऊँ। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कितने स्किलफुल ड्राइवर की ज़रूरत है। जिंदगी में पहली बार मैंने गाड़ी को तीन पहियों पर चलते हुए देखा। चौंक गए ना। गाड़ी का एक पहिया नीचे खाई में लटका हुआ था और बदकिस्मती से मैं उसी साइड पर बैठा था। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 आगे जब हम तालुका पहुंचने ही वाले थे तब एक लकड़ी का टेम्पररी पुल मिला। पुल को देखकर ही मुझे लगा कि बस भाई अब तो गए काम से। गाड़ी ने जब तक पुल पार नहीं कर लिया हम जोश में बहुत तेज चिल्लाते रहे। अक्सर डर लगने पर तेज चिल्लाने से उस डर का एहसास थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है। हम एक खतरनाक लैंडस्लाइड जोन में चल रहे थे। रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों को देखकर मैं समझ गया कि इस लकड़ी के टेम्पररी पुल से पहले भी कोई पुल ज़रूर रहा होगा जो लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया होगा और उसके स्थान पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये नया काम चलाऊ लकड़ी का पुल बना दिया। लकड़ी के पुल से आगे बढ़ने के बाद हम ट्रैफिक जाम में फंस गए। पहाड़ों का ये ट्रैफिक जाम शहर के ट्रैफिक से बिल्कुल भिन्न था। पहली बार ट्रैफिक जाम अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ गाड़ियों की जगह छोटी छोटी भेड़ बकरियाँ थीं जिनको चरवाहे हर की दून और उससे ऊपर बड़ासू पास लेकर जा रहे थे। गर्मियों में ये चरवाहे अपने जानवरों को लेकर ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं जहां बुग्यालों में ताज़ी हरी घास खाने को मिल जाती है। फिर ये चरवाहे 3-4 महीने वहीं पर रहते हैं और सर्दी आने पर जानवरों के साथ नीचे मैदानों में आ जाते हैं। अगर सही से विचार किया जाए तो भेड़े हमारे रास्तों के बीच में नहीं थी बल्कि हमने उनका रास्ता रोका हुआ था। वो तो अपने सही रास्ते पर ही चल रही थी जिन पर सदियों से चरवाहे उनको लेकर ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते रहे हैं। इंसान की बनाई हुई सड़कों ने चरवाहों के पुराने आने जाने के रास्तों को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। इस वजह से कई बार नए और सुरक्षित रास्ते ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।